सॉस डाला है। ट्रैवलिंग में यही सब खाना पड़ता है भाई, मेरा भी वही है, आलू का पराठा। Subscribe to my channel and also press this bell icon. एक कश्मीरी भाई है, काफी देर से यहाँ भटक रहे हैं बेचारे, कुछ बेचना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या। बताइए क्या क्या है वो? कश्मीरी कुलचा दिखाइए, क्या है? चलो ये कश्मीरी कुलचा, कश्मीरी कुलचा दो, कश्मीरी कुलचा। इसको क्या होता है? ये कश्मीरी ड्राई फ्रूट का बनता है, नारियल, काजू, अखरोट, कोकोनट, बस बस। इसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हो? चलिए ठीक है। है यार, कोई कुछ ना कुछ प्रोडक्ट लेके बेच ही रहा है, और टेस्ट वाकई में हर चीज़ का बहुत अच्छा है। टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, रियली आपको एकदम नेचुरल चीज़ें मिलती है खाने के लिए। एक्चुअली मैंने वो जो कुलचा दिखा रहे थे वो मैंने खा लिया है, वो बहुत ज़्यादा स्वीट है, मैं इतना मीठा खाता नहीं हूँ, तो मैंने एक ही खाया, इसलिए मैंने दोबारा वो नहीं खाया। और बैड लक था कि जो हेलीकॉप्टर है वो हर एक घंटे में फ्लाई करता है, तो अब एक घंटा तो मैं खड़ा नहीं हो सकता, तो उसकी कमी रह जाएगी वीडियो में। बाकी चलिए और भी बहुत सी चीज़ें देखते हैं आगे। अरे लकीली यार ये हेलीकॉप्टर दिख ही गया, देखिए ये जा रहा है फ्लाई करके। सामने माउंटेन है उसी पे लेके ये है गुलमर्ग का पुलिस स्टेशन, और इसके बिल्कुल बाजू में ये सारे रेस्टोरेंट वगैरह है। देखिए कितनी स्नो गिरी है यहाँ, बाप रे बाप, पेड़ों पर भी पूरी बर्फ 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 बर्फ। कोई मैगी खा रहा है तो कोई आलू का पराठा। ये सॉस डाला है। ट्रैवलिंग में यही सब खाना पड़ता है भाई, मेरा भी वही है, आलू का पराठा। उसको भी खा रहे हैं आलू का पराठा, लेकिन बहुत टेस्टी सलाद इसका बहुत अच्छा है। इसका जो सलाद है प्याज के साथ है, यम्मी यम्मी। काफ़ी बर्फ है, पैर बहुत अंदर जा रहा है, देखो मेरे बूट वूट पे सारा लग गया है बर्फ। मेरी बीवी अलग से मेरे फोटोज निकाल रही है। ऐसा गिरो ना, मैं फोटो निकालती। चलो थोड़ा फोटो सेशन हम लोग भी करते आगे। लुक एट मी, ये बच्चा मिला है मुझे यहाँ पे, बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत है। पहले अपना नाम बता, नाम क्या है? नाम है फाजिल। उधर देखिए बोल, फाजिल 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 नाम है। फाजिल क्या करता है? स्कूल कहाँ तक पढ़ा? स्कूल पढ़ता हूँ नवीं क्लास में पढ़ता हूँ, इस साल दसवीं क्लास में चढ़ूँगा। अरे बहुत अच्छी बात है। अच्छा घर में कौन कौन है? घर में पापा है, मम्मी और भाई दो है। अच्छा अभी टूरिज्म बढ़ा है, अब लोग आने लगे? हाँ अब आने लगे, कल दिन रोड बंद है और कल से परसों से आएंगे टूरिस्ट, फिर से आएंगे। अच्छा तो यहाँ पर क्या करता है? मैं ये बेचता हूँ। क्या बेचता है? कश्मीरी कुलचा। दिखा जरा कैसा होता है कश्मीरी कुलचा। ये देखो ये होता है, कैसे बनता है ये? करीब होता है, बादाम होता है, वॉलनट होता है, कोकोनट होता है, किशमिश होता है। अच्छा ये स्वीट में आता है ना? हाँ। तो दिन भर में कितना बिक जाता होगा ये? कितने, दो चार पाँच बोतलें हो जाता है उसमें। हाँ तो यहाँ की ज़्यादातर आबादी जो है
वो टूरिज्म से जुड़ी हुई है और इंडिपेंडेंट है। इनके छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई भी करते हैं और माँ बाप का हाथ भी बटाते हैं उनके कारोबार में। फिर वो किसी भी तरह का काम हो, मैंने यहाँ पे हर तरह का काम करते हुए हर लोगों को देखा। पर कुछ लोग हैं जो कैमरा पे नहीं आना चाहते, वरना मेरे व्लॉग्स बहुत लंबे लंबे हो जाते। खैर कोई बात नहीं, देखिए मेरी नज़रों से कश्मीर को।